ये 10 दिन भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी से लेकर के चतुर्दशी अनंत चतुर्दशी तक, आरंभ तो उसका महाराष्ट्र में हुआ, पुणे में हुआ, लेकिन अब तो पूरे भारत में और पूरे विश्व में गणेशोत्सव फैल गया है। थोड़ा सा इतिहास, सब बात निकली है तो बता दूं, ये गणेशोत्सव का आरंभ बाल गंगाधर तिलक ने किया, जो इतिहास में लोकमान्य तिलक के नाम से प्रचलित है। उनको एक उपाधि लोगों ने बहुत प्रेम से लोकमान्य अर्थात अप्रूव्ड एंड अप्रिशिएटेड बाय पीपल, ये लोकमान्य उनको मिला हुआ एक टाइटल है, तो लोकमान्य तिलक। उसके पीछे धार्मिक तो था, लेकिन उस समय की आवश्यकता के अनुसार, जब फ्रीडम स्ट्रगल चल रही थी, स्वातंत्र संग्राम चल रहा था, तो लोगों को इकट्ठा करना आवश्यक था, तो गणेशोत्सव के माध्यम से उन्होंने इकट्ठा किया। हमारा जो इंडियन पिनल कोड है वो ब्रिटिश जमाने से चला रहा है, कई पुराने कानून उसमें, एक में एक सेक्शन 144 है कि एक जगह पे 5 से अधिक लोग इकट्ठा नहीं हो सकते पब्लिक प्लेसेस में, वो तब से चला रहा है ब्रिटिश जमाने से। स्वातंत्र संग्राम में जब लोग इकट्ठे होते थे तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ये 144 लगा देती थी सेक्शन, कि लोग इकट्ठे ना हो सके। अब लोकमान्य तिलक बहुत अच्छे कानूनविद थे, लॉयर थे उस समय के, ब्रिटिश जमाने के। हाँ अरे वाह, लोकमान्य तिलक स्क्रीन पर, कि ये हमारी मीडिया टीम, जय हो। तो अच्छे कानूनविद थे वे, उन्होंने धार्मिक रूप में गणेशोत्सव शुरू किया। और ब्रिटिश लोगों के पक्ष में एक बात कहनी चाहिए कि पॉलिटिकल असेंबलीज अलाउड नहीं थी, लेकिन लोगों की धार्मिक भावनाओं में ब्रिटिश गवर्नमेंट बहुत छेड़छाड़ नहीं करती थी, उसमें बहुत चंचुपात नहीं करती थी। तो लोकमान्य तिलक लॉ को जानते थे, उन्होंने कहा चलो हम तो, ये तो हमारा धर्म का कार्य, हम तो भगवान की पूजा करें इसलिए इकट्ठे हुए हैं, और वो पूजा के माध्यम से फिर राष्ट्रीय प्रेम की बातें, स्वातंत्र संग्राम की बातें लोगों के मन में दी जाती थी। आरंभ पुणे से हुआ, फिर मुंबई में, और फिर तो सब जगह फैल गया। मैं जो आपसे कहना चाहता हूं कि ये विलक्षण अनुभव, अलौकिक अनुभव को दैनंदिन अनुभव में लाना, ये हमारे कर्मकांड की और धर्म की विशेषता है, हमारे महापुरुषों की विशेषता है। स्वयं लोकमान्य तिलक ये भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी से लेकर के चतुर्दशी तक अपने घर में गणेश जी को विराजमान करते, और अनंत चतुर्दशी को जब गणेश जी का विसर्जन हो जाए, पुणे में तो नदियों में विसर्जन होता था, वो विसर्जन करके जब तिलक लौटे घर में, रेखा को तो पता है पुणे से, इसलिए वाडा मणतात अपना वाडेजर जीवा, हाँ शनिवार वाड़ा और वाड़ा पूरा, तो वाड़ा में घर के जो होता है पूरा, उसमें वाड़े में आए, छोटा सा वो सुंदर पंडाल बना के रखा था गणेश जी के लिए, उसमें चौकी जिस पर मूर्ति थी, जिसका विसर्जन करके आए। तो जैसे ही वाड़ा में प्रवेश करते हैं, सामने चौकी को खाली देखा, बनी हुई घटना लोकमान्य तिलक के अंतेवासी, इनका नाम था करणीकर, वो लिखते हैं, वाड़ा के द्वार को पकड़ के लोकमान्य तिलक की आंखों में से अश्रु की धारा बहती, जैसे कोई पिता अपनी पुत्री की विदाई करे ब्याह करके, और जब घर लौटे तो पिता को घर में प्रवेश करने की हिम्मत नहीं होती,
जो सामने चौकी खाली देखी, करणीकर देखते रह गए कि इतने विचक्षण, इतने बुद्धिमान, इंटेलेक्चुअल, जिसने भगवत गीता पर कर्मयोग शास्त्र ऐसा भाष्य लिखा, निष्काम कर्मयोग क्या है वो सिखाया, गीता रहस्य ग्रंथ लिखकर, इतने बड़े लॉयर, ब्रिटिशर्स के साथ में जो स्वातंत्र संग्राम चल रहा था उसमें पूरे भारत का नेतृत्व करने वाले तीन लोग, इतिहास में पढ़ा होगा, लाल, बाल और पाल की त्रिपुटी मानी जाती थी। इतिहास का जो कंठस्थ किया होगा याद होगा, पंजाब के लाल, लाला लजपत राय, महाराष्ट्र के ये बाल, बाल गंगाधर तिलक, और बंगाल के बिपिन चंद्र पाल, ये लाल, बाल, पाल तीनों, इट वॉज अ ट्रिनिटी। और वो पूरे भारत में स्वतंत्र संग्राम के महात्मा गांधी तो बाद में आए, और गांधी जी खुद लिखते हैं अपने आत्मकथा में कि ही वॉज इंस्पायर्ड बाय स्टालवर्ट्स लाइक लोकमान्य तिलक एंड गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले, और ये सब गोखले भी पुनः से। तो ऐसे गांधी जी को जिन्होंने प्रेरणा दी, ऐसे ही, क्योंकि तिलक चल बसे आई थिंक 1905 या 1901, फर्स्ट अगस्त वो मुझे पता है, मुंबई की चौपाटी पर उनका स्टेच्यू है। तो ऐसे तिलक गणपति के विसर्जन के बाद आंखों में से अश्रु, करणीकर जी पूछते हैं ये क्या कर रहे हैं, तिलक ने कहा ही रिकामी चौकी भी बगू शकत नहीं, ये खाली आसन जो है मैं देख नहीं सकता। 10 दिन तक भगवान गणेश की आराधना करके इतनी आत्मीयता निर्माण हो जाती है, व्यक्ति इतना संवेदनशील हो जाता है, ये भारतीय संस्कृति की महत्ता है प्रिय सुजी।